अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग टू स्टिच ड्रेसेस बाय इलान और हमने इनको कस्टमाइज स्टिच किया है लार्ज साइज पे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा जी, करंटली फैब्रिक है ये इलान का, आई थिंक विंटर वाला कलेक्शन होगा लास्ट ईयर का। और इसका जो है ये लेंथ है तकरीबन 47 या 48 इंचेस या 50 इंचेस, नॉट श्योर। दामन इसका जो है ये वाला बॉर्डर पूरा यहाँ से कटवर्क हुआ है, उसके बाद जो है क्रोशिया लेस डाई करवाई है और फिर ये जो है इस तरीके के रिंग्स चाहिए थे हमारी क्लाइंट को। कस्टमाइज स्टिचिंग करते हैं तो कई बार चेंजेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि बिल्कुल वो नक्शा ही चेंज हो जाता है ड्रेस का। उसके बाद जो है इसके बेस कलर के पर्ल्स डाई करवाए हैं, ऑरेंज रिंग्स के दरमियान जो है वो पर्ल्स लगाए हैं अंदर की साइड को। सेम कलर, सॉरी कंट्रास्ट का जो है पलटा है। और फिर इसके फ्रंट पे क्योंकि होल्स थे तो सिर्फ फ्रंट के ऊपर जो है वो लाइनिंग लगाई गई। गला भी इसका जो है पूरा एप्लिक कराया है और इस एप्लिक करवाने के साथ इस इतना सा फैब्रिक, इतना सा जो है ये गला बनाने के लिए इस तरह का ऑर्गेन्जा डाई करवाया। हालांकि छोटा सा काम है, मतलब छोटा सा गला है, बट इसके अंदर जो है ऑर्गेन्जा डाई करवा के इसको पूरा एप्लिक करवाया गया। देन फिटेड स्लीव्स हैं, स्लीव्स के एज पर भी क्रोशिया लेस ये सब डाई हुई है और उसके बाद जो है वही रिंग्स और पर्ल्स। तो ये हो गया इसका फ्रंट। बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, बैक पर भी जो है क्रोशिया लेस, रिंग्स और पर्ल्स। और उसके बाद है इसका बेल बॉटम प्लाजो। अलबत्ता इन सूट्स के साथ जो है वो प्लाजो पैंट्स का बड़ा बुरा हाल था, मैचिंग ही नहीं थी। उसको चार चार बार रीडाई करवाया है और उसके बाद जो है सेंटर लेस डाई करवा के प्लीट्स कर दी। और अच्छा, प्लीट्स भी इसलिए की बिकॉज़ ये लेंथ इसकी 41 इंचेस पूरी नहीं हो रही थी, कपड़ा जो दिया हुआ था वो कम था। तो फिर हमें ये वैसे भी सीढ़ी लेस लगानी थी बट इसको जो है हमने थोड़ा सा बढ़ाने के लिए पैच भी लगाया। तो ये बेल बॉटम प्लाजो इसका। उसके बाद है इसका सिल्क का दुपट्टा, और दुपट्टा जो है वो ओरिजिनली ऐसे ही बना हुआ है। इसको एक्चुअली सिले हुए काफ़ी टाइम हो गया और एनले कार्ड तब तक जो है वो या जब वीडियो बना रहे होते हैं तब नहीं मिल रहा होता। अच्छा, इसके ऊपर भी जो है क्रोशिया लेस बड़ी, एंड देन उसके बाद जो है सेकेंड लेस जो है वो ग्रीन कलर की। तो ये दोनों लेसेस डाई करवा के लगाई हैं, अंदर की साइड कॉन्ट्रास्ट का पलटा। सो ये खासा खूबसूरत है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा, इसकी भी लेंथ जो है वो 48 या 50 इंचेस है, मेरे ख्याल 50 इंचेस है। और इसके जो है ये ऑर्गेन्जा का बॉर्डर था, उसके बाद दामन पर इसके एग्जैक्ट ऐसा ही डिज़ाइन बना था। मुझे लगता है दो कलर से बना था, ऑफ वाइट एंड ग्रीन, लेकिन हमारी क्लाइंट को एक कलर का चाहिए था। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है लूप्स वाले डिज़ाइन बना के एक कलर से, और ये इसके लिए स्पेशली जो है वो कॉटन सिल्क, वैसे भी हम फिनिशिंग के लिए कॉटन सिल्क यूज़ करते हैं, तो ये कॉटन सिल्क डाई करवा के उसके साथ लगाया गया। देन एज पर इसके क्रोशिया लेस है, उसके बाद जो है उसके ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स की एम्बेलिशमेंट है, इसके फिर पैनल्स हैं, साइड पैनल, सेंटर पैनल। उसके बाद गला जो है इसका इस तरीके से गले के, छोटा सा ही गला था तो उसके ऊपर लूप्स बने हुए थे वो वैसे ही बनाए। उसके बाद फिर पोटली बटन्स इसी फैब्रिक के बना के लगाए हैं, और फिर स्लीव्स के एज पर भी क्रोशिया लेस और पर्ल्स लगाए हैं। ये हो गया इसका फ्रंट। अच्छा, बैक पर जो है वो धागे बहुत ज़्यादा बिकॉज फोल्ड किया हुआ रखा था, और खद्दर पर कुछ जो है वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। बैक जो है इसका बिल्कुल प्लेन है, बस क्रोशिया लेस एंड ऑफ वाइट कलर के पर्ल्स। उसके बाद इसका ट्राउज़र इसके सारे जो हैं, जो भी इलान का पूरा कलेक्शन था सब के कलर में थोड़ा फ़र्क था, तो इनको कई बार रीडाई करवाया गया और सही कलर आ नहीं रहा था। ट्राउज़र के ऊपर जो है वो सेंटर लेस डाई करवाई और फिर उसको लगवाई, और फिर इसका दुपट्टा, सॉरी मुझे जो है ना एक्चुअली फ्लू हो रहा है थोड़ा। अच्छा, दुपट्टे का ये है कि ये बॉर्डर है इसका, क्रोशिया लेस है एज पर, उसके बाद जो है ये बॉर्डर और फिर ऑल साइड पे इसके पर्ल्स, और अंदर की साइड को सेम कलर का पलटा, ऑफ वाइट कलर का ये बॉर्डर है। दैट्स इट। मुझे ऑनेस्टली वैसे सिलने के बाद जो है खासे अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप सबको कैसे लगे कमेंट्स में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।